शहीद हो गए थे और उन लोग को मैं बहुत अपने दिल से नमन श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राइडर बंटी ब्लॉग्स। तो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है और काफ़ी यूनिक जगह जा रहा हूँ जहाँ पे सभी लोग जाने चाहिए। और आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे एंड जो है पुलवामा अटैक जो का आज ही हुआ था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। और आज कुछ पूछेंगे लोगों से, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है वैलेंटाइन डे के दिन, और नेक्स्ट क्या होता है वो तो आगे चल के पता चलेगा। तो तब तक एंजॉय कीजिए इस ब्लॉग को और काफ़ी मज़ा आने वाला है। अभी जो है काफ़ी अच्छी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं, सो चलो देखते हैं। और श्रद्धांजलि उन आर्मी जवानों का जो पुलवामा अटैक में मारे गए, और थैंक यू, और उनके लिए एक धैर्यपूर्ण श्रद्धांजलि। तो चलिए देखते हैं, आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मज़ा भी आएगा। तो चलो भाई, मिलते हैं अब नेक्स्ट लोकेशन पे, तब तक के लिए एंजॉय करो भाई। जो है आ चुके हैं आजाद पार्क, ये राइट लेफ्ट साइड में जो है राइट साइड आपका होगा, तो यहाँ आजाद पार्क है। तो चलो अंदर देखते हैं कुछ मिलता है क्या, मतलब कोई जगह अच्छी जहाँ पे फोटो शूट किया जा सके सेल्फी स्पेस से, और जो है कुछ यूनिक जगह। तो चलो मिलते हैं फिर वहाँ पे, देखते हैं मिलता है क्या कुछ। चलो चलो फाइनली जो है एंट्री हो चुके हैं, अभी चलते हैं नेक्स्ट जो जगह है वहाँ पे, पहले वहाँ पे चलते हैं फिर दिखाते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ें और सिनेमैटिक सीन्स काफ़ी यूनिक है। फाइनल सारा लोकेशन क्लिक हो चुका है, अभी जो बस एक पार्ट बाकी है जो मैं बताया था, डिफ्रेंस बता दो वैलेंटाइन डे का और पुलवामा अटैक के बारे में। वैलेंटाइन डे के बारे में, वैलेंटाइन डे के बारे में क्या बताऊँ, मैं सिंगल लाइफ में और सिंगल लाइफ ही मुझे पसंद है। और पुलवामा अटैक के बारे में, अटैक के बारे में, तो जैसे कि आज के दिन हमारे 44 शहीद जो है सारी शहीद हो गए थे, और उन लोग को मैं बहुत ही अपने दिल से नमन श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और
से आज के दिन हमें वैलेंटाइन डे छोड़ के उन लोगों को श्रद्धांजलि मनाना चाहिए, उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहिए। बस हो गया। तो गाइस चलो अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन और कुछ और व्यू अलग से दिखाएंगे। तो भाई चलो देखते हैं फिर अगले जगह पे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा ये कि यहाँ पे लोग जॉगिंग करने के लिए भी आते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह भी है। जॉगिंग करने के लिए भी काफ़ी लोग आए हैं, लड़के भी आए हैं और बहुत अच्छा लगा देख के। सो गाइस अब अगर इलाहाबाद में हैं तो आएँ यहाँ पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है और घूम के मज़ा आया एंड वैलेंटाइन डे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। सो अब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। गाइस आप लोगों को ये पार्ट वन कैसा लगा? पार्ट टू जल्द ही आएगा बिकॉज वो अभी एडिटिंग पे है और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैंने दो पार्ट में किया हुआ है और काफ़ी लोग देखते नहीं है, लाइक कमेंट कुछ नहीं करते हैं, तो इस वजह से मैंने छोटा वीडियो किया है इसका, नहीं तो 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बन जाएगा। इस वजह से आप लाइक कमेंट और जो अपनी राय है बताएं वीडियो के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब सेकंड पार्ट जल्दी ही अपलोड होगा, अभी वो एडिटिंग में है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके ही जाएं, कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। फिर हम नए ब्लॉग्स लेके आएंगे जल्दी, तब तक ले टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।